जैसे रंगरेज कपड़े को रंगता है, वैसे हमारे मन में ये सब रंग पीछे से भरे हुए हैं। तो मिट्टी में गंध है, उसको दो दृष्टि से देखते हैं। एक तो गंध बहुत सूक्ष्म है जो स्थूल होके मिट्टी बनी है, और एक ऐसा देखते हैं कि मिट्टी में से सारा गंध निकाल दिया जाए तब भी मिट्टी रहती है। तो गंध गुण है, मिट्टी में जुड़ा हुआ है, एक दृष्टि है, और गंध बहुत सूक्ष्म है उससे मिट्टी बनी हुई है, ये दूसरी दृष्टि। तो सांख्य और वेदांती तो मानते हैं शब्द तन्मात्रा से, स्पर्श तन्मात्रा से, और रूप तन्मात्रा और रस तन्मात्रा और गंध तन्मात्रा से ये पांचों भूत बने हैं, हम अभी बताते हैं आपको। और ये मानते हैं कि नहीं, इनसे ये मालूम पड़ते हैं। अब आप ऐसे देखो इसको, जैसे हमारे हाथ में तो सब कुछ है, मिट्टी भी है, पानी भी है, आग भी है, गंध भी है, रस भी है, रूप स्वाद भी तो आता है ना कितने में। आपने अपने हाथ का स्वाद कभी लिया है कि नहीं? और खून कहीं मुंह में चला जाए तो उसका दूसरा ही स्वाद होता है। जबकि हमारे हाथ में रूप भी है, रस भी है, गंध भी है, स्पर्श भी है, लेकिन आंख केवल इसका रूप देखती है, सो भी बाहरी पूरा रूप नहीं देखती है। इधर का रूप देखती है तो इधर का नहीं देखती है, बाहर का देखती है तो भीतर का नहीं देखती है। तो आंख केवल रूप ही क्यों देखती है, उसको कठोरता और मृदुता क्यों नहीं मालूम पड़ती? और त्वचा से कठोरता मृदुता मालूम पड़ती है तो रंग क्यों नहीं मालूम पड़ता? और आंख से रंग मालूम पड़ता है, इससे स्वाद क्यों नहीं मालूम पड़ता है? तो इसका मतलब यह है कि हमारे जो इंद्रिय हैं वो तो अकेले अकेली चीज को देखते हैं, असाधारण है, एक एक चीज असाधारण देखने वाले हैं। शब्द को कान और स्पर्श त्वचा और रूप को नेत्र और मन सबको देखता है। तो ये हुआ ना कि मन में सब होने चाहिए लेकिन सूक्ष्म होने चाहिए और इनमें एक एक होने चाहिए अलग अलग, इंद्रियों में सब में एक एक अलग अलग होने चाहिए, और ये भूत जो पंचभूत हैं इनमें सब मिले हुए होने चाहिए। तीन अवस्था हो गई, हाथ में सब मिले हुए हैं और आंख कान नाक में सब एक एक है, और मन जो है वो जब जिसमें जाता है तब उसमें बैठ करके देखता है। तो मन की स्थिति अत्यंत सूक्ष्म हो गई, तो इसलिए तन्मात्रा से मन और इंद्रियों का निर्माण होता है और देह आदि जो है ये पंचभूत से बनते हैं। तन्मात्रा माने अकेला वही, सत माने वह और मात्रा माने वही, केवल वही, तन्मात्र केवल वही, वही वही से तो एक एक मालूम पड़ता है, और जिसमें सबका जो सबसे मिल सकता है वो साधारण करण हो जाता है मन, और ये बाहर के जो विषय हैं वो सब के सब सम्मिलित हैं। तो तीन चीज दिख गई ना, एक जागृत अवस्था में दिख रही है वो सब मिली हुई दिख रही है, और स्वप्न में दिख रही है वो सब मन की रचना दिख रही है, और जागृत में कोई रचना नहीं दिख रही है। तो यही जो विचार है इसमें, कहाँ तक चोला है स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इनको छोड़कर अपने को देखो। हमारा जागना अलग अलग हो सकता है, हमारे सपने अलग अलग हो सकते हैं, और हमारी सुषुप्ति भी अलग अलग हो सकती है, परंतु इन तीनों में जो परम तत्व है वो अलग अलग होता है, इसको मानने का या जानने का कोई उपाय नहीं है। वो संस्कार रहित है, संस्कार शून्य है, मन में संस्कार है और शुद्ध चेतन तत्व में कोई संस्कार नहीं है। मतलब यह है कि एक गिलास शुद्ध पानी ले आओ तो उसका मतलब है कि उसमें शक्कर नींबू कुछ मिलावट मत करना, ये जो चीज है ना उसको शुद्ध कहते हैं। बढ़िया ये है कि पहले चारों ओर से मन हटेगा तब न एक में लगेगा। तो चारों ओर से मन हटाने के लिए तुमने क्या किया? बोले विवेक किया। तो बहुत बढ़िया है, आपका विवेक बलवान है कि निर्बल है? यदि बलवान है तो वासना के अनुसार वस्तु आने पर भी विवेक बना रहेगा, जैसी आदत पड़ी हुई है वैसी आदत के अनुसार चीज आने पर
विवेक कमजोर नहीं पड़ेगा। और यदि विवेक कमजोर है तो पुरानी आदतों के अनुसार हमारे गांव के पास एक सज्जन थे, वो मांस खाते थे, बड़े विवेकी थे, बुद्धिमान थे। जब मिलते थे या कोई सत्संग उनको मिलता था तो कहते थे, ओहो मांस खाऊंगा, कहीं मरने के समय याद आ गई तो अगले जन्म में गीत हो जाऊंगा, राम राम राम, मांस तो नहीं खाना चाहिए, ऐसा छोड़ देता। और विवेक किया और छोड़ दिया कि अब मांस नहीं खाएंगे। और पांच सात दिन के बाद बेटे गए और बंदूक से शिकार करके ले आए, हरिण भी मारते थे, चिड़िया भी मारते थे, ले आए और घर में बना। तो बेटे ने कहा, पिताजी मैं बड़े प्रेम से अपने हाथ से शिकार करके लाया हूँ। और पत्नी ने कहा कि तुम नहीं खाओगे तो मैं खाऊंगा, खाऊंगी कैसे, मैं नहीं खाऊंगी तुम नहीं खाओगे तो। अच्छा भाई चलो आज खा ले। और फिर हर हफ्ते में, दो हफ्ते में उनका विवेक जो है वो ढीला पड़ जाता। तो ये जो निर्बल विवेक है इससे काम नहीं बनता है। विवेक बहुत बलवान चाहिए, जो उपासना के अनुसार वस्तु के आने पर भी विचलित न हो, शिथिल न हो। तो ये विवेक में दृढ़ता कैसे आवेगी, इसके लिए एक सबल सबल आश्चर्य चाहिए। जैसे मान लो कोई गुरु जी के पास रहता है, अब कभी कोई प्रसंग भी आया तो गुरु जी का ख्याल हुआ कि भाई गुरु जी को ये काम मैं ऐसा करूंगा तो गुरु जी को कैसा लगेगा है? और कोई भगवान की पूजा करता है तो कहेगा हम भगवान की पूजा कैसे करेंगे है? तो एक सहारा मिल गया, एक ऐसा आलंबन मिल गया विवेक को दृढ़ करने के लिए। तो मैं भगवान के मंत्र का जप भी करूंगा और मांस भी खाऊं, ताकि ये तो ठीक नहीं है। तो विवेक को दृढ़ रखने के लिए कोई सहारा चाहिए, और वही सहारा है सगुण, सगुण की उपासना में, साकार की उपासना में वही सहारा है, क्योंकि वो देखता है, वो जानता है। देखो हम कल्याण परिवार में रहते थे, कोई लेख लिखते थे तो सोचते थे कि ये लेख भाई जी के पास जाएगा तो उनके पास उनको कैसा लगेगा, क्या खाए क्या न खाए। हमारे घर में भगवान है, खाए भोग लगाते हो कि लगाते हैं, तो जिस चीज को भगवान को भोग लगाने में हिचक हो वो मत खाओ, चीज ही है बस। अब सिंधियों के भगवान तो लहसुन प्याज खाते हैं, सिंधियों के भगवान जो है देवी जी जो है बंगालियों की, वो तो सीधे ही मांस खाते हैं। हे भगवान फिर क्या किया जाए? तो फिर भगवान भी कुछ भी गुप्त चाहिए। बस यही है कि चाहे किसी ने भी किया हो, ईश्वर ने, माया ने, प्रकृति ने, गुणों ने, पंचायत ने, किसी ने भी किया हो, तो मैंने नहीं किया। मानी बंधन में आयो, सूरदास बोल से मानी बंधन में आयो, वो इस लोग बोल रहे थे। स्त्री से, पुत्र से, धन से, दृश्य वस्तु हमारे साथ जुड़ी रहे और हम दृश्य के साथ जुड़े रहे, ऐसा चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं तो फिर मुक्ति वार्ता ही व्यर्थ है। अगर किसी को चाहते हैं तो बंधन है बस, और ईश्वर को चाहते हैं तो वो तो चाह के पेट में आता ही नहीं है, इसलिए चाह मर जाती है। ईश्वर जो है ना वो चाह के पेट में नहीं हटता है, वो चलती है, दोनों हाथ लेके चाह चलती है, अब पकड़ते हैं, अब पकड़ते हैं, अब पकड़ते हैं, इतने में उसके हाथ पांव सब टूट जाता है, इसलिए चाह पीते। अच्छा ज्ञात के बारे में जो चाह है उसको छोड़ो, चाह छोड़ी जाएगी तो ज्ञात की छोड़ी जाएगी कि अज्ञात? मत करो अज्ञात की चाह, कोई बंधन नहीं है, अज्ञात की चाह मत करो, पर ज्ञात की चाह छोड़ दो। और पर ज्ञात की चाह छोड़ने के लिए जो आलंबन चाहिए है ना, उसको तो छोड़ो। कहते हैं एक आदमी गंगा जी में बह रहा था, तो बड़ी भारी धारा थी गंगा जी की, वो सोचता था कि हम तैर रहे हैं पार करेंगे, तो उसको एक दीपक दिख रहा था किनारे की तरफ, तो सोचता था बस उसी के सीध में चलेंगे तो पार हो जाएंगे। जब तक वो दीपक दिखता रहा तब तक वो तैरता रहा,
जब गंगा जी ने ऐसी जगह उसको पहुंचाया जहां से दीपक न दिखे तो मर गया, तो निराश हो गया। जद्यपि वो दीपक को हाथ से पकड़ नहीं सकता था, लेकिन उसके मन के लिए ऐसा सहारा था कि हम वहां पहुंचेंगे तो गंगा जी के प्रवाह से बच गया। एक आदमी अपना कमरा बंद करके कहीं बाहर गया तो भूल से अपनी बिल्ली को बंद कर गया कमरे में। अब वो तो 15 दिन के लिए गया था, बिल्ली बिचारी ढूंढे कि खाए क्या, तो उसको दिखा कि कोई सफेद चीज ऊपर रखी है। उसने सोचा कि शायद मक्खन हो, मलाई हो, मिठाई हो, कुछ खाने की चीज है। तो छलक उछलती थी, बार बार उछलती थी, 15 दिन तक उछलती रही कि हम पा लेंगे इसको। पर जब वो आया, खोला उसने और देखा, उसके सामने ला के दूसरी चीज रखी और देखा, उसको मालूम हो गया, जब मालूम हो गया कि ये रुई है, तो बस वो मर गया। ये दृष्टांत पुराणों में आया है। शालमली क्या बोलते हैं, और सर्वावभाषक आपको मालूम पड़ जाए बिना श्रुति के ही, तो हम स्वीकार करने को तैयार हैं कि श्रुति की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको बिना श्रुति के ही ये मालूम पड़ गया कि वो सर्वावभाषक है, तो फल मिल गया श्रुति का। कहाँ से मालूम पड़ा, हमारे किसी से सुन के आए, तो उस श्रुति से नहीं मालूम पड़ा, इस श्रुति से मालूम पड़ा, और इस श्रुति से जो मालूम पड़ा, इस कान से किसी ने कहा ही ना, उसको कहाँ से मालूम पड़ा। ऋषिणाम अपि यद् ज्ञानम तदप्यागम हेतुकम। कृष्ण भी कहेंगे कि तुम मुक्त हो जाओ, कहेंगे तुम तो यहाँ मौज करोगे, हमको मुक्ति देने आए हो, हम तुम्हारी दी हुई मुक्ति हम क्या करेंगे, मुक्त होना है तो तुम ही मुक्त हो जाओ, हमको क्यों मुक्त करते हो। अज्ञान न हो, कर्तृत्व न हो, वासना न हो, और कर्म न हो, और कर्म के फल का भोक्तृत्व न हो, ये 5 बात जहाँ न हो, उसका नाम होता है खेल। खेल कहते हैं ना, खेल खेल खेलना, खेल खेला, खेलिए थे इति फलोत्पत्ति में नहीं हुआ, फलोत्पत्ति में नहीं वो खेलियते थी, खेला प्राणा उत्क्रामी खेला, यही खेल, खेलता है तो परोक्ष ज्ञान ही है, परंतु आत्मा ही ब्रह्म है। यदि ये जानता है, लोगों को जो भी हम कल्पना देते हैं वो उनकी जो संसार कल्पना है उसके परित्याग के लिए कल्पना देते हैं, कल्पना को बांधने के लिए कल्पना नहीं देते। हम काम में अवतार लेते हैं, हमारा कामा अवतार होता है, क्रोधा अवतार होता है, लोभा अवतार हमारा होता है, कामा अवतार, क्रोधा अवतार, लोभा अवतार, और भगवान का होता है अनुग्रह अवतार। ईश्वर का कामा अवतार क्रोधा अवतार नहीं होता है, जीव का कामा अवतार क्रोधा अवतार लोभा अवतार होता है, और ईश्वर का होता है अनुग्रह अवतार।